मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक जनसभा में भावुक होते नजर आए। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में विकास और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अपनी जवानी समर्पित कर दी। बीते 44 सालों से आपने मुझे वोट नहीं बल्कि अपना प्यार और विश्वास दिया है और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पंडुना जिले के तिगांव पहुंचकर कमलनाथ बेहद भावुक नजर आए। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूंगा, मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो भाजपा मेरे ऊपर आरोप लगाती थी कि ये तो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं। तब मैं सबसे ज्यादा काम छिंदवाड़ा के लिए करता था। तब मैं उनसे कहा करता था कि अगर मैं अपने जिले के लिए काम नहीं कर सकता तो दूसरे जिलों के लिए कैसे काम करूंगा। कमलनाथ ने कहा कि किसान कर्ज माफी में मैंने पहली किस्त में पंडूना में 8,000 किसानों का कर्जा माफ किया। आप ही मेरे गवाह हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपने जो प्यार और विश्वास दिया है मुझे इतने सालों से वो मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। आपके काम करना मेरी जिम्मेदारी है। पिछले 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन क्या आपका कोई काम रुका? तो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था ये कहते थे ये तो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री है, ये सब चीज छिंदवाड़ा ले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, यूनिवर्सिटी की बात हो रही, ये सब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो रही, ये सब छिंदवाड़ा ले जाते हैं। मैं कहता हाँ, विधानसभा में खड़े होकर कहा मैं अगर अपने जिले से डीलिंग करूंगा तो आपके लिए क्या कर पाऊंगा। और मैंने किसानों का कर्जा पहली किश्त में 80,000 किसानों का कर्जा पांडुना में माफ किया। पांडुना आप ही मेरे गवाह हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्यार और विश्वास मुझे दिया है इतने सालों दिया है ये प्यार और विश्वास आपका मुझे मिलता रहेगा। और कोई भी सरकार रहे, यार जानते हैं 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, हमारा काम तो नहीं रुका। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।